Continue with chapter number 3, tools of financial statement. In this video we are going to solve question number 14, and the question is, prepare a comparative statement of profit and loss from the information extracted from the statement of profit and loss for the year ended 31st March 2017 and 18. आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए बोला गया है और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है अबाउट द ईयर्स 2017 एंड 2018. पर्टिकुलर्स मेंशनड हैं 2017-18, 16-17, मतलब दिस इज 2018 एंड दिस इज 2017. अब इस क्वेश्चन में क्या लगे, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उसमें हमें प्रॉपर वैल्यूज गिवन होती थी तो हम जो है डायरेक्ट उसको कैलकुलेट कर लेते थे. बट इस क्वेश्चन में जो है आपको डायरेक्ट वैल्यूज नहीं गिवन. आप देख सकते हैं कि जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको सीधा ही गिवन है, अदर इनकम 60%, 50%, और बोला गया है कि आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को यूज करके उसका 60% और 50% कैलकुलेट करना है. एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस 40%, 30% एंड टैक्स रेट. सो मतलब जो अदर इनकम है और एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस है इस क्वेश्चन में उसकी वैल्यू जो है आपको स्ट्रेट नहीं गिवन, परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है. तो पहले हमें ये परसेंटेज सॉल्व करनी पड़ेगी और इसके बाद जो है हम प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो फॉर्मेट इज रेडी. कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 and 18. पर्टिकुलर्स नोट नंबर 31st March 2017, पहले प्रीवियस ईयर, देन करंट ईयर, देन एब्सोल्यूट चेंज, देन परसेंटेज चेंज. फॉर्मेट बिल्कुल सेम है जो हमने पहले डिस्कस किया. सो सबसे पहले फॉर्मेट में हमारे पास आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो हमने लिख लिया नंबर वन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. देन सेकेंड नंबर में फॉर्मेट में आता है अदर इनकम, इट इज ऑल्सो गिवन. सो हमने लिख लिया अदर इनकम. देन थर्ड में हम टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज फर्स्ट माइनस सेकेंड. सो हमने टोटल रेवेन्यू भी कैलकुलेट कर लिया. देन आते हैं एक्सपेंसेस फोर्थ में. एक्सपेंसेस में आपको एक ही खर्चा गिवन है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस. जैसा गिवन है वैसा ही लिख लेंगे, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, और कोई खर्चा नहीं गिवन. सो यहां हमारे पास फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस. देन टैक्स रेट है, प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो पहले हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन लेस टैक्स, लास्ट में हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो हमने अपने पर्टिकुलर्स तैयार कर लिए फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली, जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो हमने यूज़ कर ली. सो सबसे पहले हम 31st मार्च 2017 की इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं. अगर हम क्वेश्चन में ध्यान दें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख. सो हमने लिख लिया 2017 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख. अदर इनकम, अब यहाँ ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ लिखा गया है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 50% है कि जो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है इसका 50% आपने कैलकुलेट करना है. सो 10 लाख मल्टीप्लाई 50/100, 50%, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 लाख. सो हमने यहाँ लिख लिया 5 लाख. क्लियर. अब हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू, दैट इज 10 लाख प्लस 5 लाख, ये आ गया आपके पास 15 लाख. देन इट इज एक्सपेंसेस. सबसे पहला एक्सपेंस है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस. सो क्वेश्चन में देखिए एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू, 30%,
टोटल रेवेन्यू का 30% कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 2017 में हमारा टोटल रेवेन्यू है 15 लाख, 15 लाख का 30% ये हमारे पास आ जाएगा 4,50,000। एक ही खर्चा है, यही हमारे लिए टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 4,50,000। हाँ जी ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 15 लाख टोटल रेवेन्यू हुआ, खर्चे हुए सिर्फ 4,50,000 के, सो 15 लाख माइनस 4,50,000 प्रॉफिट आ गया हमारे पास 10,50,000। इस 10,50,000 के ऊपर, इस प्रॉफिट के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे और टैक्स का रेट है 40%। सो 10,50,000 मल्टीप्लाई 40% ये आ जाएगा हमारे पास 4,20,000। अब प्रॉफिट में से अगर टैक्स माइनस कर दें तो ओरिजिनल प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 6,30,000, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। होप यू आर क्लियर विद द कैलकुलेशन वर्क ऑफ 31st मार्च 2017। अब हम सेम कैलकुलेशन करेंगे फॉर द 31st मार्च 2018। सो 2018 में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 15 लाख। सो हमने लिख लिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख। अदर इनकम, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है 60%। सो 15 लाख का 60% ये आ जाएगा हमारे पास 9 लाख। सो टोटल रेवेन्यू 15 लाख प्लस 9 लाख, दैट इज 24 लाख। देन इट इज एक्सपेंसिस, एक ही खर्चा गिवन है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, दैट इज टोटल रेवेन्यू का आपका परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी 40%, और टोटल रेवेन्यू आया हमारे पास 24 लाख। 24 लाख का 40% ये हमारे पास आ जाएगा 9,60,000। एक ही खर्चा है, ये ही हमारे लिए टोटल एक्सपेंस भी बन जाएगा 9,60,000। सो 2018 में टोटल इनकम हुई 24 लाख की, खर्चे हुए 9,60,000 के, मतलब ज़्यादा पैसा कमाया है, खर्चा कम हुआ, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया माइनस करके 14,40,000। अब 14,40,000 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे 40%। सो 14,40,000 मल्टीप्लाई 40% ये आ जाएगा 5,76,000। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास आ गया 8,64,000। होप इट इज क्लियर टू यू। सो हमने 2017 की कैलकुलेशन वर्क भी कर ली, 2018 की भी कर ली। अब हम परसेंटेज और एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करेंगे, ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले किया। एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करते हैं बी माइनस ए। सो 15 लाख माइनस 10 लाख ये आ जाएगा हमारे पास 5 लाख, 9 लाख माइनस 5 लाख ये आ जाएगा 4 लाख, इंक्रीज है इसलिए पॉजिटिव आ रहे हैं। 24 लाख माइनस 15 लाख ये भी पॉजिटिव है 9 लाख, 9,60,000 माइनस 4,50,000 5,10,000, अगेन 5,10,000, देन 14,40,000 माइनस 10,50,000 3,90,000, 5,76,000 माइनस 4,20,000 1,56,000, 8,64,000 माइनस 6,30,000 2,34,000। सभी वैल्यूज में इंक्रीज आया है इसलिए सभी एब्सोल्यूट चेंज क्या है पॉजिटिव। देन लास्ट कॉलम इज परसेंटेज चेंज। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। सो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई 100 ये आ गया 50, 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई 100 ये आ गया 80, 9 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई 100 ये आ गया 60, देन 5,10,000 डिवाइडेड बाई 4,50,000 ये आ गया 113.33,
टोटल भी सेम होगा क्योंकि एक ही खर्चा गिवन है। 3,90,000 डिवाइडेड बाय 10,50,000 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया 37.14। 1,56,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000, ये आ गया 37.14%। देन लास्ट 2,34,000 डिवाइडेड बाय 6,30,000, ये आ गया 37.14। क्लियर। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पॉइंट अलग था कि क्वेश्चन में आपको सभी वैल्यूज डायरेक्टली नहीं गिवन थी, आपको परसेंटेज के फॉर्म में गिवन था। जैसा क्वेश्चन में गिवन था हमने वैसे सॉल्व किया, वैल्यूज ढूंढी और फॉर्मेट में पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ चैप्टर नंबर 3, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।